हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे मिशन ऑफ टूरिज्म। दोस्तों, हम बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं। 2/5 डिवाइड 10/1/10। दोस्तों, ये मैंने फिक्शन दे रखी है 2/5 एंड 1/10। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी है, अगर हमारे बीच में डिवाइड का निशान हो, डिवाइड का चिन्ह हो, तो हमें इक्वल में 2/5 इंटू का निशान लगाना है। इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो हमारा नीचे वाला नंबर है उसे ऊपर करना है, और जो ऊपर वाला नंबर है हमें नीचे करना है, मतलब उनको उल्टा करना है। देखिए, यहाँ जो 1/10 है तो हम 10/1 कर देंगे। तो अब आपको बताते हैं कि इसे कैसे करना है। यहाँ पर ये जो हमारे नंबर है, मतलब ये जो हमारे आमने सामने नंबर है, आमने सामने मतलब आमने सामने ये नंबर होता है, लेकिन जो हमारे नीचे मतलब जो हमारे ये नंबर है, इसके नीचे वाला जो नंबर है, नीचे वाला जो हमारा नंबर है, इसके नीचे वाला जो नंबर है ये, और ये जो 5 के ऊपर जो नंबर है, ये अगर हमारे मतलब डिवाइड हो रहे हो, 5 के टेबल में 10 का पर 2 पर, तो 5 2 जो कितना हमारा 10, ये हमारा डिवाइड हो गया। 1 के टेबल में कहाँ पर आता है, 1 के टेबल पर कहाँ आता है हमारा 2 पर आता, ये हमने कर लिया। तो ये जो हमारा, ये जो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके जो हमारा है 2 2, मतलब 5 2 जो कितना हमारा 10, और 1 2 जो 2 कितना 1 2 जो 2 हो गया। तो ये जो मैं 2 2 आंसर आया, तो इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 कितना हमारा 4, कितना आ गया हमारा 4। अब हम आपको और बताते हैं, अब आपको और बताते हैं 10/20 डिवाइड 5/1। तो ये हमारे फ्रिक्शन दे रखी है, ये हमारे फ्रिक्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डिवाइड हो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 10/20, फिर जो हमारा दूसरा फ्रिक्शन है, ये जो हमारा दूसरा फ्रिक्शन है, इसे हम उल्टा कर देंगे, जो हमारा ऊपर वाला नंबर है इसे हम नीचे कर देंगे, और जो नीचे वाला नंबर है उसे हम ऊपर कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 1/5। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10। तो दोस्तों, ये हमारा डिवाइड हो गया। 20 के टेबल में 1 तो हमारा आता नहीं है, तो ना ही डिवाइड हो रहा है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2, और यहाँ पर हमारा 1 आएगा, 1 है, और 20 1 जा 20, ये हमारा आ गया 2/20 आया है। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, और 2 10 जा 20। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया 1 10 जा 10, ये हमारा आ गया 10, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, 16/2 डिवाइड 2/1। तो दोस्तों, ये हमने फ्रिक्शन दे रखी है, ये हमारे फ्रिक्शन दे रखे हैं, जो मेरे बीच का है, बीच का डिवाइड का चिन्ह है, ये जो हमारा डिवाइड का चिन्ह, डिवीजन का चिन्ह है, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। 16/2 को हम वैसे इक्वल में लिख लेंगे, और जो 2/1 है इसे हम 1 जो हमारा नीचे वाला जो नंबर है हम उसे ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा ऊपर वाला नंबर है उसे हम नीचे लिख लेंगे। तो अब हम को करते हैं, अब हम उसको करते हैं 1/2, ये हमारा आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा मल्टीप्लाई मतलब ये हमारा डिवाइड हो रहा है आमने सामने नंबर से, ये जो हमारा आमने सामने नंबर है, मतलब ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाले दो नंबर है, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 8 जो कितना हमारा 16, 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसे वैसे वैसे छोड़ देंगे। तो 16 into 1 कितना हमारा 16, और 2 into 1 कितना हमारा 2, ये हमारा आ गया। ये जो हमारा है डिवाइड हो रहा है 2 के टेबल, 2 8 जा 16, तो ये हमारा 8 आंसर आ गया। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे बताते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 1/6 को हम वैसे उतार लेंगे, जो डिवाइड का निशान है इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और जो हमारा 8/2 है इसे हम 2/8 लिख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे लिखा 2/8, जो हमारा 8 है इसे हम नीचे लिया, ऊपर वाला जो हमारा 8 है इसे हम नीचे लिया, और जो हमारा 2 है नीचे वाला नंबर है इसे हम ऊपर कर लिया, मतलब उल्टा कर दिया हमने। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 1 8 जा 8 हुआ, ये हमारा डिवाइड हो गया, और ये हमारा 6 के टेबल में 2 तो नहीं आता है, तो इसे हम वैसे के वैसे छोड़ देंगे, ये 6 के टेबल में 2 तो हमारा नहीं आता है, तो इसे वैसे वैसे छोड़ देंगे। तो 1 1 2 जा 2, ये हमारा 2 आ गया।
6 जा कितना हमारा 48। अगर ये हमारा एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो एक नंबर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 1/24। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर आ गया है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं 16/2 डिवाइड 20/4, ये है हमारा। अब की बार ये हमारे फ्रिक्शंस है, ये जो हमारा डिवाइड करने से आने से मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 16/2 को हम वैसे वैसे उतार लेंगे। उतार लिया हमने, और जो हमें दूसरी फ्रिक्शन है इसे हम चेंज कर देंगे, 4 को ऊपर ले आएंगे, जो हमारा नीचे नंबर है इसे हम ऊपर ले आएंगे और जो ऊपर वाला नंबर है इसे हम नीचे कर लेंगे। तो कितना आ गया हमारा 4/20। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 16 के टेबल में हमारा 20 तो आता नहीं है, तो इसे वैसे वैसे छोड़ देंगे। और 2 के टेबल में 2 2 जा 4, ये हमारा आ गया। तो 62 जा कितना हमारा 32, और 32 ये हमारा आ गया नीचे, तो 20 आ गया यहाँ पर हमारा, 32/20 हमारा आ गया है। मल्टीप्लाई करके आया हमारा 1 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
एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, टू से हो रहा है, तो टू सिक्सटीन जा एंड टू टेन जा, ये हमारा अभी भी डिवाइड है, टू एट जा सिक्सटीन, टू फाइव जा टेन, एट बाई फाइव हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 8/5 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों मेरे वीडियो को खूब सारा लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।